जामिया के बाहर के भी लोग हैं और जामिया से मुतासिर ज्यादा लोग हैं, तलबा हैं, असातिज़ा हैं, उनसे मिलने जुलने वाले हैं। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने के मुबारकबाद देना चाहता हूं जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी को कि जो कयाम का मकसद था जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के इस मुल्क को एक करने की लड़ाई, ये हिंदू की लड़ाई नहीं है, ये मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये सिख की और ईसाई की लड़ाई नहीं है, ये इस मुल्क को एक करने की लड़ाई है। इसलिए जामिया का कयाम आया था, इस बात को याद रखिए। 1920 में 100 साल पहले जामिया का क्याम अमल में आया था और उसका एक मकसद था कि हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें जो एक मुल्क इकट्ठा रहे। ऐसी ताकतें थी उस वक्त भी अंग्रेजों के लीडरशिप में, ऐसी ताकतें थी जो मुल्क को बांटना चाहती थी और जामिया का क्याम इसीलिए हुआ था कि जामिया इस मुल्क को एक रखने की लड़ाई लड़े। जामिया ने इस मुल्क को एक रखने की लड़ाई लड़ी और जामिया आज भी इस मुल्क को एक रखने की लड़ाई लड़ रहा है। मैं अक्सर कहता हूं भाजपा के हमारे साथियों से, हमारे साथ पार्लियामेंट में असेंबली में रहे हैं, मिलते जुलते हैं, मैं कहता हूं देखो अंग्रेजों की लड़ाई से ये मुल्क टूट गया, तो अंग्रेजों को भागने के लिए एक जगह थी इंग्लिस्तान, लेकिन आज जो भाजपा कर रही है, खुदा न करे, भगवान न करे, गॉड न करे, वाहेगुरु न करे कि अगर ये मुल्क टूटा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई भागने की जगह देने के अलावा नहीं है। इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। ये लड़ाई क्या है और कैसे लड़ाई लगाते हैं, ये बात मैं आपको कहता हूं। नेशनलिस्ट मूवमेंट से जामिया ऐसा जुड़ा हुआ है, जामिया के बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि जामिया बनने की जो पहली बैठक हुई 12 लोगों की, मैं कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं ले रहा, उस वक्त कांग्रेस पार्टी एक तरह से पूरे नेशनल मूवमेंट में जो अंग्रेज के साथ थे उसको छोड़ के बाकी लोग कांग्रेस के साथ थे। जब जामिया के बनने की पहली मीटिंग हुई जिसमें 12 लोग बैठे थे, उन 12 लोगों में 4 लोग कभी न कभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रह चुके थे। बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता। मैं ये कैसे लड़ाते हैं, अंग्रेजों ने कैसे लड़ाया, उसी की मिसाल इन्होंने ली है। बाबरी मस्जिद की चर्चा हमारे बहुत से साथियों ने की। बाबरी मस्जिद का एक फैसला हो गया, बाबरी मस्जिद बनी 1528 में, बाबर की हुकूमत ही 4 सालों की थी, 1526 से 1530 तक। बाबरी मस्जिद बनी 1528 में और आपको जान के ताज्जुब होगा बहुत से लोगों को कि 1858 यानी 1528 से 1858 330 साल कोई कंट्रोवर्सी, कोई हर हर खचखच नहीं था, 330 साल अमन और शांति थी। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा आज अयोध्या में कितनी मसाजिद है। आज की तारीख में भी अयोध्या में 105 मसाजिद है, ये बात जाननी चाहिए लोगों को, सिर्फ बाबरी मस्जिद बनी थी। और 330 सालों तक कोई हंगामा नहीं हुआ। 1857 में जो इंकलाब दबाया अंग्रेजों ने, उसके बाद दबाने में परेशानी हुई उनको, तो उन्होंने जब मालूम किया कि वजह क्या थी तो उनको वजह बताई गई कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अंग्रेज पिछड़े सब इकट्ठा होकर आपके खिलाफ कर रहे थे, तो उन्होंने लड़ाने की अलग अलग तरीके से कोशिश शुरू की। उसी में बाबरी मस्जिद का भी मामला था और पहला जो FIR है वो 1858 के नवंबर का है, बनी मस्जिद 1528 में, और पहला FIR होता है 1858 में। 330 सालों के बाद से ये वही लड़ाई थी। तारीख की कुछ लड़ाइयां हैं जिनको अंग्रेजों ने फैलाया, जैसे एक लड़ाई है औरंगजेब की और शिवाजी की। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, ये दो बड़े लोगों की अपने इंतजाम की लड़ाई थी जिसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहकर फैलाया जाता है। औरंगजेब की फौज में 38% मराठे,
100 में 38% मराठे मराठा शिवाजी के खिलाफ लड़ते थे और शिवाजी के असलम खाने का इंचार्ज का नाम मिर्जा अफजल बेग था, वो मुसलमान था। वो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, ये दो बड़े लोगों की अपने आपस की लड़ाई थी और जिसकी वजह से लोगों को गुमराह करने की जो अंग्रेजों ने कोशिश की वही भारतीय जनता पार्टी करती है। एक लड़ाई थी बाबर और अकबर और महाराणा प्रताप की, बाबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई थी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। अगर किसी को धोखा है तो दिमाग साफ कर लीजिए। अकबर के तरफ से तो आप सब जानते हैं कि अकबर के सेनापति या सेवा सालार या चीफ ऑफ कमांडर मान सिंह थे, लेकिन मान सिंह की हैसियत सिर्फ अकबर के सिपा सालार की नहीं थी, महाराणा प्रताप से चौगुने बड़े राज के राजा जयपुर के राजा थे मान सिंह। अकबर भी राजा मान सिंह कहते थे उसको। और आपने इसमें से बहुत कम लोगों ने किसी मुसलमान की मूर्ति देखी हो। मेरे वालिद सियासत में थे, मेरे गांव में उनके वफात के बाद मेरे गांव के लोग आए कि हम मूर्ति उनकी बनाना चाहते हैं। मैंने कहा कि इस्लाम में इजाजत नहीं है, मैं बेटे की हैसियत से आपको इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन आपको ताज्जुब लगेगा कि मुसलमान की मूर्ति आपने कम देखी होगी, लेकिन जब आप उदयपुर जाएंगे और उदयपुर में महाराणा प्रताप की चेतक घोड़े पे जो मूर्ति लगी हुई है उसके ठीक सामने जो महाराणा प्रताप के सेकेंड इन कमांड थे, जो लड़ाई लड़ते थे महाराणा प्रताप के नंबर टू थे, उनकी मूर्ति लगी है। उनका नाम था हाकिम खान सूर, जो मुस्लिम समाज के थे और जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर अकबर और मान सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, ये दो बड़े लोगों की अपने इसकी लड़ाई थी और उसको हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए अंग्रेजों ने जो रास्ता पकड़ा था वही रास्ता भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने पकड़ा है। एनआरसी के बारे में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। हम लोग